तो हेलो दोस्तों, जीटी की दुनिया के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल की वीडियो में आपको याद होगा कि भाई हम ये वाली F1 कार लेके आए थे फ्रैंकलिन को बचाने के लिए, मगर भाई जिसकी ये गाड़ी है उसका फोन आ गया हमारे पास, कह रहा भाई जिसकी ये गाड़ी है उसे रेस के लिए जाना है और उसे अभी की अभी ये गाड़ी चाहिए। ओ भाई, मैंने बोला कोई बात नहीं, जो भाई मेरी गाड़ी है वो मिसाइल वगैरह वाली वो तू तैयार रखियो, मैं ये वाली गाड़ी देके अपनी वो वाली गाड़ी ले लूँगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, वो गाड़ी मैंने बिल्कुल आपकी रेडी कर दी है, आप आओ और जल्दी से वो गाड़ी ले लो। मैंने बोला ठीक है चल, मैं आ गया तेरे पास, मगर यार काश ये गाड़ी हमारे पास ही होती, क्या यार ब्रेकिंग है और सही में बड़ी बढ़िया गाड़ी है यार, दुख है यार काश ऐसी गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए थी। अरे अरे अरे, इतनी तगड़ी गाड़ी भाई, मैं पहली बार F1 वाली गाड़ी चला रहा हूँ, और इतनी तगड़ी हैंडलिंग भी इसकी, ये नहीं कि इतनी स्पीड है तो हैंडलिंग बेकार होगी, हैंडलिंग भी बहुत सही है भाई। और यार सबसे बड़ा पंगा तो एक ये हुआ था कि जो बंदे इतने ज़्यादा हमें डेड बॉडियाँ मिल रही हैं जली हुई, और बंदे फ्रैंकलिन को पता है कि और ज़्यादा बंदे कहाँ रखे हुए हैं, वो सब बंदों की जान इस टाइम खतरे में है, तो भाई उन्हें भी आज जाके जल्दी जल्दी हमें बचाना होगा उनको भाई, वरना वो मारे जाएंगे सारे के सारे, तो हमें उनकी जान बचानी है आज के दिन में। तो चलो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये गाड़ी देते हैं। तो लो दोस्तों, आ तो गए हम जहाँ हमें आना था, यहीं से हमारी गाड़ी, हमने ये वाली ली थी, हमारी भी गाड़ी भाई यहीं खड़ी होगी। और ट्रेवर तो कल ही अपने घर निकल गया था भाई, गाड़ी वाड़ी उसने बोला सेफ जगह खड़ी करके मैं घर जा रहा हूँ। मैंने बोला चल ठीक है, तो भाई इसकी गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते हैं, और एक बार फ़ोन करके इसे बता देते हैं, देख भाई तेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है इस टाइम। अबे ये तो रहा, क्या फ़ोन करना है इसे, होश ही नहीं है भाई, इसकी गाड़ी आ गई यहाँ पे, वो ये मुझे ही फ़ोन कर रहा होगा, मगर अब देखते बात करते हैं इससे। तो भाई इससे मेरी बात हो गई, ये कह रहा माइकल भाई ठीक है आप बहुत जल्दी आ गए, बस मेरे को अब निकलना है यहाँ पे, अपनी कहीं रेस वगैरह के लिए जाना है इसे गाड़ी लेके। मैंने बोला ठीक है तू जा फिर, खड़ा क्यों है तू, निकल यहाँ से, मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है इसने बता दी, पीछे खड़ी हुई है, चल ठीक है तू जा, अब ऐसे मत इतने तैयार वो मत हो, जॉगिंग वगैरह मत कर। तो दोस्तों अपनी गाड़ी ले लेते हैं जल्दी चल के, यहीं कहीं पार्किंग में खड़ी होगी। तो लो दोस्तों, गाड़ी तो हमें हमारी मिल गई, और भाई इस बंदे ने यार गराज वाले ने बहुत बढ़िया काम करा है भाई। मैंने वैसे इसकी बहनी से बात करा दी थी, बहनी ने बता दिया था कि गाड़ी के अंदर क्या क्या करना है, इसलिए भाई इसने आसानी से गाड़ी ठीक कर ली, वरना भाई इसकी जितनी भी कोडिंग वगैरह है सब, जितना भी डाटा है इस गाड़ी का सारा बहनी के पास है, क्योंकि भाई जब तक बहनी नहीं चाहेगा मैं इस गाड़ी की मिसाइल और मशीन गन नहीं चला सकता। तो भाई ये चीज़ तो भाई बहनी की बढ़िया लगती है मुझे, हर चीज़ पे भाई कंट्रोल है उसका, और बहनी वही करता है जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों बातें तो इतनी ज़्यादा हो गई, कुछ पूछो मत, ओ भाई मगर अब बचाने का टाइम है, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान को खतरा है, अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो भाई वो सब जला के मार देंगे इस टेफिन के लोग। तो जल्दी चलते हैं दोस्तों उन लोगों को बचाने, सबसे पहले करता है फ्रैंकलिन को कॉल, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन को ही, ओ शिट, फ्रैंकलिन को ही पता है कि भाई वो लोग कहाँ पर है, तो इसलिए फ्रैंकलिन का कॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों फ्रैंकलिन से हमारी बात तो हो गई, फ्रैंकलिन कह रहा है एक काम करो भाई, मैं रास्ते में मिल जाऊंगा तो मैं खड़ा हुआ, और मेरे को भी तुम्हारे साथ चलना है। मैंने बोला फ्रैंकलिन तू रहने दे, ज़्यादा खतरे वाली बात है, हम अकेले ही सही है वहाँ पे। तो फ्रैंकलिन कह रहा नहीं भाई ऐसी कुछ बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि भाई अकेले के लिए वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, पता नहीं वहाँ क्या मिलने वाला है क्या नहीं। मैंने बोला चल ठीक है फ्रैंकलिन तू भी हमारे साथ चल ले, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन जगह बताने को तैयार ही नहीं थे, कहाँ लोगों को मुसीबत है। तो मैंने बोला चल ठीक है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन देखते हैं भाई रास्ते में मिल जाएगा लॉस सैंटोस में, तो चलते हैं और उसके फ्रैंकलिन के पास, और फ्रैंकलिन को लेके फिर चलते हैं कौन सी जगह जहाँ लोग बंदी बना रखे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम भाई फ्रैंकलिन के घर के पास आ रखे हैं बिल्कुल, क्योंकि यार फ्रैंकलिन बोल रहा था माइकल भाई मैं बाहर निकल गया था लॉस सैंटोस में आपके पास आने के लिए, मगर भाई मैं कुछ चीज़ भूल गया अपने घर पर, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपने घर पर वापस आना पड़ा। मैंने बोला फ्रैंकलिन तू भी ना कितना, वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, ऊपर से तू और अपने घर वापस चला गया, और ये तेरी इसकी यार फ्रैंकलिन की ये जो कॉलोनी है इसमें इतनी पतली पतली रोड है कि कुछ पूछो मत, मैं इसे कहता हूँ यार घर चेंज कर दे, कहीं और बढ़िया जगह ले ले जा, बड़ी सड़कें हों कोई। ये लो दोस्तों फ्रैंकलिन कहाँ है, ये आ गया दोस्तों हमारा दोस्त फ्रैंकलिन, अरे बैठ जा भाई बातें बाद में कर लियो। Hey, good to see you, man. हाँ भाई सी यू, वो तो ठीक है, मगर ये बता तू कहाँ पे है भाई, वो कहाँ पे लोग जो बंदी बना रखे हैं जिन्हें हमें बचाना है, उन लोगों की जान बचानी है भाई फ्रैंकलिन, मजाक इस टाइम बिल्कुल नहीं, पहले उन लोगों को बचा लें फिर चलेंगे कहीं मौज मारने। तो दोस्तों फ्रैंकलिन ने रास्ता तो बता दिया कि भाई कहाँ पे वो जो बंदी बना रखे हैं सारे लोगों, चलते हैं। वो फ्रैंकलिन बता रहा था भाई मुझे पता नहीं, ये भी नहीं पता कि वो लोग बचे भी होंगे या नहीं बचे होंगे। मैंने बोला भाई फ्रैंकलिन ऐसे मत बोले यार, भाई जो भी लोग हैं हमें उनकी जान बचानी होगी किसी भी तरीके से। ओ भाई लॉस सैंटोस का वैसे ये बात बीच में बोलनी नहीं चाहिए, मगर लॉस सैंटोस का मौसम वैसे आज सच में बहुत अच्छा हो रहा है, मगर यार भाई हम अपने काम तो नहीं छोड़ सकते ना। ओ शिट, ओ अबे तेरी ऐसी तैसी, भाई ये कहाँ से आते, वो भाई पीछे से भी ठोक दिया भाई, ये बचेंगे नहीं कह रहा,
उन लोगों को भी बचाऊंगा। मगर ये ले भाई, बीच में आ रहे हैं ये दोनों मेरे, तो भाई इनका मरना तो तय था बिल्कुल एकदम। ओ शिट, क्या नुकसान हो रहा है यार आज तो गाड़ी का, क्या बात हो गई है। तो चलो दोस्तों कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो हुआ यार, मगर चलते हैं अब जल्दी जल्दी जहाँ हमें आना है अपनी लोकेशन पे पहुँच के, देखते हैं भाई क्या एरिया और क्या होने वाला है वहाँ पे। तो यार देख सकते हैं हम अभी अभी यहाँ पे उतरे थे और इन लोगों ने हम पे फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, तो भाई मतलब अंदर खतरा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो फ्रैंकलिन एक काम कर भाई, तू रुकेगा यहीं पर और मैं अंदर अपनी इनविजिबल जो होने की पावर है वो यूज़ करके अंदर जाके देख के आऊँगा क्या चक्कर है, तो तू यहीं पर रुका रहियो, एक काम करियो। तो भाई हम इस टाइम इनविजिबल हो रखे हैं, कोई हमें नहीं देख सकता यहाँ पे। और भाई देख सकते हो कितनी यार सिक्योरिटी है, ये मेरी सोच से भी ज़्यादा है, मतलब भाई बंदे तो यहीं पर हैं। हल्की सी भी भाई इन्हें कुछ भी पता लगा ये अचानक फायरिंग स्टार्ट कर देगा, उन लोगों की जान को भी खतरा होगा। ओबे 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 ओबे, तो देख रहे हो दोस्तों कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो भाई हम इस गेट से अंदर तो जान सकते, गेट खुले और ये यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर देंगे, तो भाई हम पे डायरेक्ट इन पे अटैक करना पड़ेगा, उसके अलावा हम पे कोई चारा ही नहीं है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं डायरेक्ट नीचे, या यहीं से एक काम करते हैं, इनविजिबल होकर हमारी पहुँच में अभी पावर होगी, तो जल्दी से ऐसे ही इन पे फायरिंग स्टार्ट करते हैं, अपनी मशीन गन निकाल लेते हैं, किसी को होश नहीं है। ये ले, ओ भाई ये ले, ओ अंदर आ गए, लो भाई भाई इनमें मुझे बहुत तगड़ा, मुझे पता नहीं था इतना हुआ भाई। हाँ हाँ तू भी ले, तो वैसे हम खामा खाम में इन पे ध्यान दे रहे हैं, हमें पहले अंदर निकलना होगा, कोई है तो नहीं, नहीं है भाई, बस इस गेट के अंदर वाले लोगों को पता ना लगा हो यार। ओ भाई ये ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, और कोई एक है, अरे तू बच्चो तुम भाई। यहाँ पे मुझे कितनी सिक्योरिटी भाई, मुझे लग नहीं रहा वो लोग जिंदा बचे होंगे, मुझे लग रहा है यहाँ से। अबे इल्ली है मुंडी, इल्ली है तेरी, ये ले मुंडी मत लियो। यहाँ पे मुझे, यहाँ पे बंद होंगे तो सही। उबे ये रे भाई, लोग लोग तो मिल गए, अपने तुम यही रहो। अबे अबे हट जाओ, हट जाओ आगे से, हट जाओ तुम लोग, हटो हटो। अबे भाई इनमें से एक दो लोगों को गोली लगी क्या, नहीं खड़े हो गए भाई, बच गए, उन्हें भी पता लग गया कि भाई बचाने वाले तो आ ही गए हमें। और कहीं भाई ये पता नहीं लिफ्ट वगैरह है बंद है क्या ये, और एक गेट भाई ये भी है, इसके अंदर भी क्या पता लोगों, नहीं यार ये खाली है, ये नीचे जाने का रास्ता है। तो चलो ये यार ये अच्छा हुआ बहुत ज़्यादा कि हमने इन लोगों की जान, ओबे गोलियां वोलियाँ चल रही हैं क्या। तो दोस्तों ये आखिरी बंदा था, ये हमने ख़त्म कर दिया, और फ्रैंकलिन का अभी अभी फ़ोन आया, कह रहा भाई नीचे मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो यार ये देख आवाज़ सुनने गोलियों की, तो भाई जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन के पास जाना होगा हमें, वो खतरे में इस टाइम, मशीन गन निकाल लो अपनी। अबे ये कहाँ गए हम, अबे यार ये कहाँ घूम गए, अबे ये ले और लेगा। अबे शिट यार ये यार क्या हो रखा है भाई, वहां फ्रैंकलिन पे गोलियां चल रही है, यहाँ मेरे पे गोलियां चल रही है, ये ले और है कोई। अबे तुम कहाँ कहाँ छुप के बैठे हो भाई, उन लोग जो यहाँ पे अंदर थे उन सबों को मैंने भगा दिया यहाँ से, क्या मैं भाई तुम जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ, मैं देख लूंगा। अबे ये ले कितने लोग हैं, अबे एक और है, एक और है, एक और है, एक और है, ये ले भाई कितने लोग हैं भाई, फ्रैंकलिन को खतरा इस टाइम बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी हमें फ्रैंक, ये ही रास्ता है शायद बाहर जाने का। तो दोस्तों बाहर तो हम आ चुके हैं, ये देखो भाई फ्रैंकलिन कवर में छुप के बैठा हुआ है, ये देखो भाई फ्रैंकलिन पे इनने इतना ज़्यादा, मेरे ख्याल से इसकी गोलियाँ ख़त्म हो गई यार, मुझे ऐसा लग रहा भाई बंदे की गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, तो यार गोली वोली भी लग रखी है ये, तो भाई मेरी गाड़ी का क्या हाल करा यार इन लोगों ने, ये ले भाई क्या हाल कर दिया भाई, वो भाई फ्रैंकलिन ने मार दिया इसने, लगता है इस पे गोलियों की कमी थी इसलिए कवर में था ये। और भाई आ जाएं क्या पता, अचानक रुकते हैं, एक और भाई हाथ हिला अभी अभी, यहाँ पे कोई है, यहाँ कोई बंदा है। तो यार ये देख सकते हो ये इन सब का गैंग का लीडर है, और भाई ये हमने अभी अभी यहाँ पे पकड़ा है, और अब इसके मेरे ख्याल से भूत उतरने का टाइम आ गया। तो भाई तेरी जो भी आखिरी ख्वाहिश है तू जल्दी से जल्दी बता दे, क्योंकि तू अब बचने तो वाला है नहीं, तूने जो जो करा मेरे भाई, इतने सारे लोग वहाँ बंदी, मेरे नहीं मतलब आम पब्लिक तूने बंदी बनाई, उन्हें जला के राख कर रहा है, तू तो गया, तेरी आखिरी गोली ख्वाहिश है बता।
तू तो गया, अब आखिरी कोई ख्वाहिश है तो चल मांग ले, तू याद दिया। तो भाई अचानक से हम पे और बंदे आ गए यहाँ पे, इसे गंजे को बचाने और बंदे आ गए। तू नहीं जाएगा, तू नहीं बचेगा भाई, चिंता मत कर। अचानक से हम पे अटैक, इसने जो बात बोली उसके बाद अचानक से अटैक चालू हो गया भाई। ओ वाह भाई, तूने बुलाए थे गए? तो भाई इसने हमें एक बात बोली कि भाई माइकल मेरा ये करने का इरादा नहीं था, मैं बस पैसे के लिए ये सब काम करता हूँ, मगर मुझे अगर तुम जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी फ्यूचर की जो एक बाइक है वो कहीं पे भी नहीं है, वो गलत मैंने एक जगह देखी है, तुम चाहो तो उसे ले सकते हो, और वो $1 million की बाइक है, और भाई पूरे लॉस सैंटोस पूरे GTA की दुनिया में उस जैसी बाइक है ही नहीं, और पूरे एक ही इकलौती बाइक है भाई, वो कोई बना भी नहीं सकता, उसमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ कहाँ से लगा के बनाई है, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो वो बाइक मैं बता दूंगा कहाँ पर है और तुम जाके ले लेना। तो मैंने सोचा चल यार छोड़ ही देते हैं, वैसे भी ऐसे ऐसे बहुत मेरा पाला पड़ता है, तो बाइक तो मिलेगी, चल तू बाइक का एड्रेस बता और तब तक मैं जाके इंतजाम करता हूँ बाइक को लेने का। तो दोस्तों जैसे ही इसने बाइक का एड्रेस बताया, फ्रैंकलिन ने इसे गोलियों से चल्ली कर दिया। फ्रैंकलिन कह रहा भाई आज नहीं तो ये कल हमारे खिलाफ ही जाएगा। तो अबे यार फ्रैंकलिन, जब उसने बता दिया था बाइक का एड्रेस तो फिर क्यों मारा तूने? चला अपनी गाड़ी में बैठ के निकलते हैं यहाँ से, बाइक का एड्रेस तो कह रही इसने बता दिया कि कहाँ भाई, मैं भी देखूँ ऐसे फ्यूचर की बाइक कहाँ मिल रही है भाई, जाके लेते हैं उस बाइक को। ओ भाई और गुंडे आ गए, देख सकते हो मैप में भाई, ये पता नहीं क्या चक्कर भाई, ये खत्म नहीं हो रहे, यहाँ से जल्दी निकलने में फायदा है भाई, फायदा है। अबे ये लो, और है कोई? अबे बहुत है, तुम जैसे बहुत, रोज 2-3 मारता हूँ मैं। फ्रैंकलिन इसे होश भी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई? पूरी लाशों का ढेर ही ढेर लग गया भाई, अंदर से लेके बाहर तक। अब भाई यहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है, यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो, गाड़ी का तो हमारा बहुत अच्छा खासा नुकसान हो गया, देख रहे हो गेट बंद करते ही कांच टूट रहे हैं गाड़ी के। वो स्टार्ट हो, वो कोई भाई स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैं डर गया अभी, मैंने भाई गई। अरे ये डेड बॉडी भी ना, क्या हाल कर दिया भाई, ये गाड़ी मुझे लग रहा है अभी की अभी बैनी के पास ले जानी पड़ेगी। भाई किसे लॉक कर रहा है ये? अबे जंगली भाई बच गया, कुत्ता बच गया, वरना भी उसको उसका हो जाता ढंग से काम। भैया ये गाड़ी यार पता है क्या दिक्कत है, ये आज किसी और ने रिपेयर करी है, तो भाई और ने किसी ने रिपेयर करी है तो मुझे लग रहा है इस वजह से ढंग से नहीं चल रही ना इसकी ब्रेक, और इतना ज़्यादा टॉर्क वगैरह कर रही है ना इस वजह से, ये अपना बैनी जब रिपेयर करता है ना तभी सही चलती है। तो भाई इस गाड़ी को अभी बैनी पहले से फटाफट वो बाइक लेते हैं भाई, कौन सी बाइक है, और फिर ये गाड़ी छोड़ते हैं बैनी के पास, बैनी अपनी ये गाड़ी ठीक करेगा भाई, अभी तो भाई ये चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इसे चलाने में। तो चलो ओ शिट भाई, इतनी भी मुश्किल नहीं हो रही थी कि भाई ये मारेगा मुझे, तो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई, इतना वैसे मर गया, मगर अब ये यार मर गया भाई बंदा, मगर कोई बात नहीं। ओ गलत जगह, ये ले, हो गया काम भाई। ओ शिट दोस्तों, मैप में देख सकते हैं क्या हो गया है भाई, बुरी तरह हम पे दोबारा अटैक हो गया यहाँ पे। आज का यार दिन पूरा लड़ाई में बीतने वाला है क्या हमारा भाई? पूरे दिन मतलब क्या करूं यार, आज बंदे ही बंदे, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे खिलाफ ये। ये लो मगर भाई हम भी पीछे थोड़ी हट रहे, ये रहा भाई एक और बंदा, ये ले एक और घूम रहा है, ये ले वो भी गया, मगर आज हो कर रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है आज के दिन भाई, पूरे हर जगह अटैक ही अटैक चल रहे हैं। ओ भाई पुलिस वाले आ गए, नहीं ये फायर ब्रिगेड है। तो फ्रैंकलिन बैठ भाई, जल्दी से निकलते भाई, पहले इस गाड़ी को बैनी के पास दूंगा मैं, अभी के अभी इस गाड़ी को बैनी के पास देने जा रहा हूँ भाई। तो लो दोस्तों आ तो गए हम बैनी के गैराज पे। ओ भाई इस गाड़ी की जो हालत है ना, सही में भाई कोई बंदा देख लेगा ऐसा कहेगा कि जैसे कोई फटीचर नहीं होता उनकी गाड़ी है ये, मगर भाई वो यार ये क्या गाड़ी खड़ी है भाई, ये किसकी गाड़ी है यार? वाह भाई बहनी वाह, क्या बात है, तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी आ रही है और हम ये वाली गाड़ी चला रहे हैं, इस गाड़ी की हालत देखोगा कोई भाई, सही में गाड़ी की हालत बहुत बुरी है। चलो ये बहनी को देते हैं और ये पूछते हैं ये किसकी गाड़ी है। तो भाई वो वाली गाड़ी तो हम बहनी को दे के आ गए, और भाई बहनी बता रहा है ये बहनी की गाड़ी है। मैंने बोला बहनी जल्दी चाबी दे, ऐसी गाड़ी की जरूरत हमें तुझे नहीं, तू किसी में भी चलाती हो। ओ यार आपने इसकी साउंड चेक करी भाई, क्या गाड़ी है यार ये भाई, ये हुई ना बात बहनी में भाई, मगर बहनी अपने लिए लाया भाई से, मगर चलो कोई बात नहीं भाई, हम यूज कर रहे हैं, हम बहनी की गाड़ी लेंगे नहीं, मगर आज चला के तो देखेंगे यार कैसी गाड़ी है। ब्रेकिंग भी यार ठीक है, और सबसे बढ़िया तो यार इसका साउंड लग रहा है। तो
तो भाई लो, जहाँ हमें आना था वहाँ हम आ तो चुके भाई। यहाँ ही यहीं पे कहीं हमें वो बाइक मिलने वाली है जो भाई फ्यूचर की बाइक बता रहा था वो, पता नहीं जो भी मारा भाई फ्रैंकलिन ने टपका दिया उसे वो, जबकि भाई वो कह रहा था मुझे मारो मत मारो मत। वह फ्रैंकलिन ने कहा भाई जब तुम ये हरकत है, ओ भाई यार ये गाड़ी में क्यों स्क्रैच दे रहा हूँ इसमें, अभी देख रहे हो यार रॉन्ग साइड आने का क्या दिक्कत होती है। अब भाई रुक जा 5 मिनट, ओ भाई यार गाड़ी में स्क्रैच आ गया, रुक जाओ। अब इसके ये ज़्यादा इसे अभी आना था भाई, बम नहीं इसकी थोड़ी इसे इसी साइड से अभी आना था जब पता है माइकल आ रहा है। हट जाओ अब, ये ले यहाँ खड़ी कर अपनी गाड़ी और ले जा। अबे तू तो लड़ने के लिए आ गया मैं, अबे फ्रैंकलिन यार फ्लाइंग गोली मत मार, फ्रैंकलिन गोली मत मारियो, अबे फ्रैंकलिन रहने दे यार, फ्रैंकलिन ने तो बंदा ही टपका दिया। आ जा चल कोई बात नहीं, अब मार दिया तो मार दिया, आ जा छोड़ अब उसे पे, उस पर ही लटका रहेगा क्या। तो भाई यहाँ पे वो हमें गाड़ी मिलने वाली है, देखते हैं भाई कितनी फ्यूचर की बाइक गाड़ी है। पता नहीं कहाँ पे थे अचानक से इसने ये बंदा और मार दिया भाई, पता नहीं मैं भी क्यों उतरा गाड़ी में से। तो भाई ये जगह ही बताई थी उसने, हम हाथ हो गए। ओ भाई गेट खोल दे या कोई खोल रहा है तो, वरना इसे तोड़ू। अबे मत खोल जा तू अब, अबे गार्ड हाँ बता, इतनी महंगी गाड़ी में आए फिर भी तुम कुछ सवाल जवाब पूछने आया क्या। नहीं भाई ये होता है देख रहे हो महंगी गाड़ी का फायदा, बंदे ने भी कुछ नहीं बोला। और ये देखो भाई भाई जैसा कि आप देख सकते हो भाई, ये वाली बाइक है जो भी है वो, यहाँ पे बाउंसर भी खड़े हुए हैं बहुत तगड़े से। तो चलो कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं और देखते हैं क्या चक्कर है। तो यार ये वाली बाइक है जो चलने को, यार हवा में खड़ी हुई है भाई ये तो बाइक, भाई हवा में खड़ी हुई है यार। अगर आप चाहते हो कि हवा में ही रहे तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, हमारी पूरी टीम भाई बढ़ती जा रही है भाई धीरे धीरे, तो बेल आइकन दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद और बढ़ाओ भाई। तो यार जैसा कि देखते हो भाई बाइक तो हवा में खड़ी हुई है, सच में इसमें कुछ ना कुछ तो भाई स्पेशल बात है। और यहाँ से भाई फोटो वगैरह खींचना शायद मना है, वैसे हम मानते तो किसी की नहीं है, मगर कोई बात नहीं ये काम में अभी बॉडीगार्ड को चूचा करेंगे फिर पिटने लगेंगे। ओ फ्रैंकलिन भाई हमारा फॉर्म में आज, पता नहीं क्यों गोली पे गोली मारता जा रहा है भाई बंदा। तो यार बाइक तो भाई बहुत तगड़ी सी लग रही है यार, कितने फोटोग्राफर वगैरह, ये भाई पता नहीं कौन सा हिसाब जोड़ रहा है अपना। मगर को अभी ये सोच रहा हूँ मैं इसे लेके भागे कैसे यहाँ से, मेरे ख्याल से यहाँ कोई बम ब्लास्ट कर देते हैं, नहीं बम ब्लास्ट यार ज़्यादा तेल का हो जाएगा यहाँ पे और लोग भी मर सकते हैं, तो इसे लेके भाई भगा कैसे जाए। मेरे ख्याल से भाई हम कोई एक्सीडेंट का ऐसा कर देते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट इसे लेके निकलते हैं, फायर करें तो करते रहें, क्या कहते हो यार कैसे करें। तो यहाँ पर एक काम करते हवा में फायरिंग करते हैं, जिससे बॉडीगार्ड भी देख के डर जाएंगे और भाग जाएंगे यहाँ से, ये सबसे बेस्ट लगा। मगर नहीं यार फिर तो पुलिस कंप्लेंट वगैरह हो जाएगी, एक काम करते हैं फ्रैंकलिन एक काम कर, तू ये वाली गाड़ी मेरी लेके जा यहाँ से, वो इस गाड़ी को तू जैसे ही लेके जाएगा मैं इस वाली गाड़ी को फटाफट चला के इस वाली बाइक को आ जाऊँगा तेरे पास, ये कर लेते हैं चल तू इस वाली गाड़ी को लेके निकल। तो भाई फ्रैंकलिन गाड़ी लेके तो जाने लगा भाई, जैसे ही ये गाड़ी लेके यहाँ से निकला वैसे ही हम भाई इस वाली बाइक को चुरा लेंगे। अबे फ्रैंकलिन आराम से भाई आराम से, बहुत महंगी गाड़ी है फ्रैंकलिन आराम से भाई। तो देख रहे हो दोस्तों फ्रैंकलिन तो भाई निकल रहा है यहाँ से, तो जल्दी जा यार फ्रैंकलिन जल्दी जा भाई, बस फ्रैंकलिन आराम से मतलब जल्दी जा मगर गाड़ी आराम से चला के जा, एकदम कहीं ठोक ठाक मत दियो, बस निकला ये जैसे ही निकला यहाँ से वैसे ही हम गाड़ी ये चुरा के डायरेक्ट इसके पीछे निकल जाएंगे। चलो भाई निकल तो गया बंदा आराम से एकदम नॉर्मल, हमें ऐसे देखते जब बाइक देख रहे हैं। तो भाई जैसा कि देख सकते हो मैं बाइक वहाँ से निकाल रहा हूँ, मेरे पे अचानक उन बॉडीगार्डों ने फायरिंग शुरू। अबे यार ये आज हो क्या रहा है भाई, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पीछे बॉडीगार्ड पुलिस वालों को फोन करने लगे, फायरिंग करने लगे, सारे काम कर दिए भाई इनने भाई फ्यूचर की। ओ भाई ये तो उड़ रही थी भाई अभी, भाई एक बार फिर ट्राई करते हैं। अबे बैलेंस थोड़ा इधर उधर हो रहा है मगर भाई बाइक उड़ रही है, ये यार नई चीज़ है, ये तो मुझे बताया नहीं था बंदे ने कि बाइक उड़ेगी भी आराम से। भाई यहाँ पे तो ट्राई नहीं कर सकता मैं, थोड़ी यहाँ ट्राई करते हैं चलो एक बार उड़ाने की। ओबे भाई ये क्या था यार, भाई ये बाइक तो सच में बिल्कुल अलग ही होने वाली है भाई, देख सकते हो ये इस टाइम हम हवा में उड़ रहे हैं वो भी बाइक से। अबे नहीं, ओ शिट यार पता नहीं यहाँ से कैसे निकलने वाले हैं।
तो देख सकते हो दोस्तों, ये बाइक तो सही में बहुत तगड़ी हवा में उड़ती है, मगर यार ये मेरे ख्याल से जंप वगैरह करती है भाई। जंप जंप जंप, नहीं 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 ये भाई, इसके कंट्रोल समझने में टाइम लगेगा, एक टाइम लगेगा इसके कंट्रोल समझने में। देख रहे हो यार, अभी थोड़ी ठुकठुका रही है, मगर कोई बात नहीं, इसके थोड़ा कंट्रोल समझने में टाइम तो लगेगा भाई। इतनी अलग सी चीज़ जिंदगी में पहली बार चला रहा हूँ, तो लगता तो है ही भाई थोड़ा बहुत। ओ भाई फ्रैंकलिन सेफली मैंने वहाँ से निकाल दिया। मैंने भाई बहनी को, तू जाके वो गाड़ी दे दियो, क्योंकि भाई बहनी की गाड़ी है। भाई बहनी कहेगा माइकल भाई इस गाड़ी को तो छोड़ देते, उसका भी नाश कर दिया तुमने, अपनी तो तोड़ते ही रहते हो। इसलिए भाई मैंने सोचा यार बहनी की पहली गाड़ी है, इतनी शौक से उसने स्पोर्ट्स कार ली है, तो उसका नुकसान ना हो। ओ भाई देख रहे हो, मतलब ये ज़्यादा देर हवा में नहीं रुकती है, मतलब जंप वगैरह कर रही है, वो हवा में चल भी रही है यार। तो भाई बाइक तो सही में बिल्कुल बढ़िया चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है। तो यार बाइक तो यार भाई ये ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, यार जैसी होनी चाहिए थी उससे भी बढ़िया बाइक है। मैंने इतनी नहीं सोची थी कि इतनी सही होगी। और इसमें यार एक ये चीज़ है, जो बूस्ट है ये देखना अभी कितनी तगड़ी स्पीड लेगी। मगर यार भाई ये कोई मतलब मुसीबत में हो तो एस्केप करने के लिए सबसे बेस्ट है। ये देखो भाई कितनी लंबी जंप करी भाई बाइक ने, और इसका बैलेंस अगर आप नहीं संभाल पाए तो भाई बहुत ज़्यादा डैमेज होएगा। ओ भाई बचा ली, चलो ये तो मैंने अच्छा किया। अरे आराम से भाई, बहुत तगड़े पत्थर हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए नई बाइक है। अभी आगे का सीन देखते हैं भाई, आगे से कैसे लग रही है। ओ अच्छा 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 अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ये ले मशीन गन भी है भाई इसमें तो। ये बाइक भाई और हमारे लिए ही बनी थी मुझे ऐसा लग रहा है। चलो भाई बच्चे हैं थोड़े मौज मस्ती कर रहे हैं, जाने दो उन्हें, और ना खामा काम में अभी डेड बॉडी मिलेगी उन्हें, पुलिस वालों को या एम्बुलेंस वालों को। तो देख सकते हैं यार क्या मजे आ रहे हैं भाई बाइक चलाने में सच में। तो भाई मजे का टाइम इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि भाई चेरी का फ़ोन आया। चेरी कह रहा है माइकल भाई इतना तगड़ी लॉटरी वाली बात है अगर आपने कर पाया, मगर इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा। मैंने बोला भाई तू बता, कहते भाई माइकल एक ट्रेन है, और भाई वो ट्रेन जा रही है किसी दूसरी गैंग का, पूरे लॉस सैंटोस में भाई क्यों वो ट्रेन जा रही है। उस ट्रेन के अंदर इतना पैसा है ना भाई, और उस ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा ही कुछ, इतना आप सोच भी नहीं सकते, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर। हमारी सारी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो सकती है अगर आप वो ट्रेन लूट लो, मगर यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी पता नहीं लगना चाहिए कि वो ट्रेन माइकल ने लूटी है, वरना पुलिस वाले जो अभी आपके दोस्त हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। मैं कहा या फिर पुलिस वालों को आपको हिस्सा देना पड़ेगा, मैंने बोला पुलिस वालों को तो हिस्सा कह रहा हम नहीं देने वाले, कुछ भी हो जाए। और फिर मैंने सोचा यार ये डील तो अच्छी है, मगर इसके बारे में भाई सोचना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होएगी, वहाँ पुलिस वाले भी होंगे, हर तरह के लोग होने वाले हैं। तो क्या करा जाए, हम मास्क वगैरह पहन के यार कर तो सकते हैं वैसे तो। चलो दोस्तों जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी हम पे इस टाइम पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारी भाई गाड़ी की कलेक्शन भी ख़त्म हो, गाड़ियों में इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, हमारे हथियारों में इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, वो भाई हमारे शोरूम में एक ही है बस जो ये सब काम कर रहा है, और उसमें भी भाई हम लॉस में चले जाते हैं कभी प्रॉफिट में, इसलिए भाई हमारा वो ट्रेन लूटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलो दोस्तों ट्रेन को लूटते हैं और देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। वैसे भाई इतने नुकसान में तो चल ही रहे हैं हम, इतना ज़्यादा भाई इन गैंगों के चक्कर में मेरा पैसा खर्च हुआ, मेरे शोरूम वगैरह बंद रहे, तो यार वो हमें कहीं ना कहीं से भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो चलो दोस्तों करते हैं उस ट्रेन पे अटैक, और भाई सबसे पहले लॉस सैंटोस में जाके मास्क खरीद के लाते हैं कोई तगड़ा सा। और अगले एपिसोड में देखने को ये मिलेगा कि हमने वो ट्रेन कैसे लूटी और क्या क्या हम प्लानिंग करने वाले हैं। सबसे पहले मास्क खरीदेंगे, फिर उस ट्रेन के साथ क्या क्या करेंगे तब जाके, क्योंकि भाई बहुत तगड़ी प्लानिंग के बाद वो ट्रेन लूटी जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए तो सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रखा, मगर नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, अब कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और लाइक शेयर कमेंट की तो बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये तो 101% कर ही देना।